दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मशहूर यूट्यूबर ध्रुव राठी हमेशा ऐसी वीडियो डालते हैं जो आपको ज्ञान, विज्ञान और हिस्ट्री के बारे में जानकारी देती हो। परंतु इस बार उनकी एक वीडियो पर बवाल हो गया है। अभी कुछ दिन पहले ध्रुव राठी ने द केरला स्टोरी पर एक वीडियो बनाया था जो कि मिलियंस में उसके व्यूज गए थे। परंतु उस वीडियो पर एक सोशल मीडिया कॉन्ट्रोवर्सी भी शुरू हो गई है। कई यूट्यूबर्स ने ध्रुव राठी की वीडियो को रोस्ट करते हुए बहुत सी वीडियो डाले गए हैं, जिसके बाद ध्रुव राठी ने उन सबको जवाब देते हुए एक वीडियो बनाया। ध्रुव राठी ने सभी रोस्ट करने वाले यूट्यूबर्स को जवाब देने के लिए एक वीडियो बनाया, जिसमें उन्होंने बुरी तरह एक यूट्यूबर जिसका नाम एल्विश यादव है उसको रोस्ट किया है, और इतना रोस्ट किया कि बेचारा कुछ कहने के लायक ही नहीं बचा। ध्रुव राठी ने अपनी इस वीडियो में एल्विश यादव के ज्ञान और उसके नॉलेज की धज्जियां उड़ा के रख दी है दोस्तों। और क्या कुछ कहा, अब हम आपको क्या क्या बताएं, आप खुद ही सुन लीजिए। 7 मिलियन व्यूज के साथ ये है जिसे सिद्धार्थ यादव नाम के एक यूट्यूबर ने बनाया है। सिद्धार्थ बड़ा ही सुंदर नाम है, आप जानते ही होंगे गौतम बुद्ध का नाम हुआ करता था, लेकिन पता नहीं क्यों इस लड़के ने अपना नाम बदलकर सिद्धार्थ से एल्विश कर दिया। तो आज इसके चैनल का नाम है एल्विश यादव। अब हो सकता है ये एम्बैरेसमेंट की वजह से किया हो, कुछ लोगों को बड़ी शर्म आती है अपने ही कल्चरल नाम से, या फिर हो सकता है कि कुछ लोगों लगता है कि ना बड़ा कूल नाम होगा अगर अंग्रेजी नाम है तो। खैर जो भी हो, थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझते हैं कि ये लड़का है कौन। एक कॉमेडी यूट्यूबर है जो कुछ इस तरीके के वीडियोस बनाता है। पूछ लगवा स्मूच स्मूच तो उसको मिलेगी स्वीटी सुपारी की स्मूच। मतलब कुछ लड़के पंजा लड़ा रहे हैं और जो भी जीतेगा उसे लड़की की स्मूच मिलेगी। लड़की है या कोई ऑब्जेक्ट है? एक गुड़गांव मार के पता ना क्या करने आ रखे हैं, और भाई पैसे पूछे तक सब सेट हो जाएगी। सूट ऑफ फेमिनिस्ट है, थोड़ा सा पैसा दिखाऊंगा सेट हो जाएगी। अब एल्विश के लिए कोई टीचर भी क्यों ना हो, वो भी एक ऑब्जेक्ट की तरह है जिसे सेट किया जा सकता है। भाई ऐसे नंबर थोड़ी बढ़ा देगी मैडम, और भाई मैडम सेट करना एक कला है यार, मेरे दादा सेट करे करता मैडम। एक दूसरे वीडियो में एल्विश तीन तीन लड़कियों को सेट करता है जैसे कि वो लड़की नहीं खिलौने हो। ये तो तीन तीन लड़कियों के साथ रासलीला रचा रहा है ना, अगर तू मुझे एक दे देगा तो दोनों भाई मजा बांध देंगे। अब ऐसी बातें सिर्फ गर्लफ्रेंड्स तक ही लिमिटेड नहीं है। ये देखिए एल्विश शादी के बारे में क्या सोचता है। इस वीडियो में एल्विश शादीशुदा होता है, उसकी बीवी उस पर काफी ज्यादा शक करती है, तो उससे पीछे छुड़वाने के लिए एल्विश भाई क्या करते हैं, बीवी को छोड़ना है क्योंकि वो शकी है किसी दूसरी लड़की के चक्कर में फंस के, और फिर जब उसको भी उससे प्यार होने लगता है तो फिर उसको भी छोड़ देता है किसी तीसरी के लिए। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे इट्स हिज चॉइस, लेकिन अब देखिए एल्विश क्या सोचता है जब लड़कियां कुछ ऐसी चीजें करने की सोचे। तो हमने ऐसी गर्लफ्रेंड चाहिए थी ना, ये आजकल के रिलेशनशिप, हम तो सारा सिंगल ही बढ़िया है। आप सोचेंगे मेरे रिसर्चर को घंटों का समय लगा हुआ एल्विश की वीडियो क्लिप्स ढूंढने में, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उसने बताया सिर्फ 5 मिनट लगे ढूंढने में, क्योंकि उसने कहा एल्विश का पूरा चैनल ऐसी ही मिसोजिनिस्ट क्रिंज से भरा पड़ा है, जहां पर लड़कियों के खिलाफ ऐसे ही नफरत फैलाई जाती है और लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है। एक दूसरे वीडियो में एल्विश कहता है अपने दोस्त से कि मैं तेरा दोस्त हूं तो क्या मैं तेरी गर्लफ्रेंड के साथ सो नहीं सकता। तू अपनी बीवी के साथ और मैं तेरी गर्लफ्रेंड के साथ, तू गर्लफ्रेंड नहीं दे सकता है, चाहिए मुझे वो अब, यही हो दे। एक बार फिर से एल्विश के लिए लड़की एक ऑब्जेक्ट है। अब एल्विश ये सारी क्लिप्स देखकर कहेगा कि ये सारी तो फिक्शनल कहानियां हैं जो उसने वीडियोस के लिए लिखी हैं, असल जिंदगी में उसकी सोच ऐसी थोड़ी है। लेकिन ये जो छिछोरा कैरेक्टर जिसका नाम एल्विश है जो ये वीडियोस में प्ले करता है, इसे कोई विलन की तरह नहीं दिखा रखा, इसे एक बड़ा कूल डूड टाइप का इंसान दिखा रखा है। जो यंग लड़के इसका चैनल देखते हैं उन तक क्या मैसेज जाता है कि अगर कूल बनना है तो आप भी लड़कियों की बात इसी तरीके से किया करो। ये तो थी औरतों की बात, अब एल्विश की राय सुनिए धर्म के ऊपर, रिलीजन के ऊपर। ये भाई आशीर्वाद देते हुए मतलब भगवान शिव को स्मोकिंग और गांजा से एसोसिएट करना। हनुमान चालीसा में दो लाइनें हैं दोस्तों, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। देखिए एल्विश ने अपने वीडियोस में इसे कैसे डिपिक्ट किया है। हनुमान चालीसा इन भूतों का पढ़ दो, इनकी जावे एक बज्जी में, समझ रहा हूँ एक बज्जी में। पुत्र कौन सुतनामा महावीर विक्रम बजरंगी कुंती निवार सुमति के संगी। एल्विश ऐसे लोगों में से है जो बहुत ही घटिया तरीके से हिंदू धर्म का इस्तेमाल करता है व्यूज पाने के लिए। पीछे दीवार पर ये जय श्री राम लिखेगा और सामने बैठकर मुंह से देखो कैसे शब्द निकलते हैं ना। और भाई ऐप डाउनलोड कर लो, बहुत कैडी ऐप है, मतलब बेसिकली वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप है। इसमें भाई तुम बहुत सारे लोगों से दोस्ती कर सकते हो, चाहे इंडिया के हो बाहर के हो, 17 मिलियन से ज्यादा होस्ट है और भाई बहुत कैडी कैडी स्ट्रीमर्स है, मतलब स्वाद आ जाएगा तुम्हें। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लो। मतलब धर्म का इस्तेमाल करना ऐसी घटिया चीजें प्रमोट करने के लिए। मेरे पास भी ऐसे ऑफर आते हैं दोस्तों कि इन चीप ऐप्स को
प्रमोट कर दो या फिर ये बेटिंग और गैम्बलिंग की एप्स को प्रमोट कर दो, हम इतने पैसे देंगे इसके। लेकिन मेरा कहना है नहीं, मेरी कोशिश ये रही है दोस्तों कि सिर्फ ऐसी ही चीजों को प्रमोट किया जाए वीडियोस में जिनसे आप लोगों का भला हो, समाज पर एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़े या देश आगे बढ़े। जैसे कि मेरा ये टाइम मैनेजमेंट कोर्स जिसमें मैं आपको सिखाता हूं कि ये गलत एडिक्शंस और प्रोक्रेस्टिनेशन से कैसे छुटकारा पाया जाए। मैं आपको पढ़ाता हूं लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस के 9 पिलर्स के बारे में जिससे आप अपनी जिंदगी में खुश रहते हुए अपनी प्रोडक्टिविटी डबल या ट्रिपल कैसे कर सकते हैं। जिन लोगों ने कोर्स लिया है सच बता रहा हूं उनका फीडबैक जबरदस्त रहा है, ये रिव्यूज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस कोर्स ने स्टूडेंट्स और एम्प्लॉयज से लेकर हाउसवाइफ्स तक की जिंदगी अच्छे के लिए बदली है। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, एक हफ्ते के अंदर आप देखेंगे कि कैसे आपकी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है। आप सब लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए एक स्पेशल डिस्काउंट है, कूपन कोड यूज कीजिए 40OFF 40% ऑफ पाने के लिए, लेकिन आप में से पहले 500 लोगों के लिए ही ये कूपन कोड वैलिड होगा। तो जल्दी से जाकर नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक में चेकआउट कर सकते हैं। और अब आगे इस वीडियो को कंटिन्यू रखते हैं। अब सबने अपने घर पे कुछ वेडिंग रिचुअल्स तो देखे होंगे जब भी किसी की शादी में गए होंगे, जहां पर पुजारी कुछ मंत्र बोलते हैं। देखिए एल्विश उसे कैसे पोर्ट्रे करता है। ओ पंडित, सेक्सी मंत्र पढ़ का भी ब्याह करवा दे जल्दी, सेक्सी मंत्र पढ़ का भी ब्याह करवा दे जल्दी। बिजली सी टूट पड़ी मारे गए हम। भाई ये लोग हिंदुओं का मजाक उड़ाते हैं अपनी मूवीज में और इन पे हंसता कौन है? लोग हंसते कि वाह, ओ भाई का सीन डाल रहा। अब सबसे कमाल की बात तो ये है कि इस तरीके से ये हिंदू धर्म का मजाक उड़ाकर वीडियोस बनाता है कि बॉलीवुड एंटी हिंदू है। इस तरीके से वीडियोस में औरतों को ऑब्जेक्टिफाई करता है और फिर वीडियोस बनाता है कि मैं हिंदू औरतों को बचाऊंगा। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप समझ सको कि एल्विश जैसे बहुत से ढोंगी हैं सोशल मीडिया पर जो हिंदू धर्म को बचाने का नाटक करते हैं लेकिन असलियत में लोगों के बीच नफरत फैलाते हैं, गाली गलौज करते हैं और देश के यूथ को ऐसी ही बुरी चीजें सिखाते हैं। चलो बहुत कॉन्टेक्स्ट हो गया एल्विश को लेकर। मैं कहना चाहूंगा कि अभी तक जो भी मैंने आपसे कहा वो सब एड होमिनम लॉजिकल फैलेसी थी। आप में से जिन लोगों ने मेरा लॉजिकल फैलेसीज वाला वीडियो देखा है आकाश बैनर्जी के साथ, आप जानते होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। क्योंकि असल में बात क्या है, अगर आपने ध्यान दिया हो, मैंने एल्विश के कैरेक्टर को क्रिटिसाइज किया है, मैंने उसकी आर्गुमेंट्स को क्रिटिसाइज नहीं किया। कई सोशल मीडिया वीडियोस जो कहते हैं कि उन्होंने एक्सपोज़े किया है मेरा, वो भी इसी चीज का बहुत इस्तेमाल करते हैं। मेरे एक्चुअल आर्गुमेंट को काउंटर करने की जगह वो मेरे 5-5 साल पुराने वीडियोस को लेकर उनमें गलतियां निकालते हैं और कहते हैं कि ये देखो यहां गलती थी तो इसलिए ट्रस्ट नहीं किया जा सकता इस बंदे पर। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मुझसे कभी गलतियां नहीं हुई हैं, 500 वीडियोस हैं चैनल पर, उनमें से 10-20 में तो बड़े आराम से गलतियां मिल जाएंगी। और पहले क्वालिटी चेक इतना अच्छा होता नहीं था, जब मैं अकेले वीडियो बनाया करता था, पूरी टीम के साथ वीडियो बनाता हूं तो अच्छा क्वालिटी चेक हो पाता है कि कहीं कोई गलतियां ना निकले। लेकिन बात यह है कि अगर मेरी आर्ग्यूमेंट को काउंटर करना है तो करंट आर्ग्यूमेंट को काउंटर करना होता है। इसलिए अब एल्विश की इस आर्ग्यूमेंट को सुनते हैं जो उसने दी केरला स्टोरी वीडियो को लेकर। 2012 में चीफ मिनिस्टर था भाई जो कांग्रेस का ही था केरला का, उसने रिपोर्ट दी कि 7713 लोग 2006 से लेकर 2012 तक कन्वर्ट हुए। तो ये नंबर अपना 32,000 पर ईयर के हिसाब से जोड़ लो, 32,000 कैसे बना भाई, सिर्फ 3 लड़कियों पर रखा था, हम 32,000 की रिपोर्ट लेके आ गए। तो यहाँ ये एक आर्टिकल की बात करता है जो ओमान चांडी को मेंशन कर रहा है, केरला के एक्स चीफ मिनिस्टर। लेकिन कमाल की बात यह है कि ये इसे ऐसे पेश कर रहा है जैसे कि कोई नई इन्फॉर्मेशन हो। भाई अगर तूने मेरा वीडियो देखा होता तो इस आर्टिकल को मैंने तुझसे ज्यादा मेंशन किया है और ज्यादा डिटेल में डिस्कस भी किया है अपने वीडियो। 2500 औरतें, इस्लाम, केरला, ओमान चांडी, इससे पता चलता है कि इसने मेरा वीडियो पूरा देखा तक नहीं है और रिप्लाई कर रहा है। अब यहाँ ये फिल्म के डायरेक्टर सुदीप्तो सेन के झूठे क्लेम को दोबारा से दोहरा रहा है, जबकि फिल्म के डायरेक्टर खुद शर्मा रहे हैं इस क्लेम को दोबारा से दोहराने में, जैसे कि मैंने आपको अपने ओरिजिनल वीडियो में बताया था। लेकिन एल्विश इसकी बात ऐसे कर रहा है जैसे कि ये सच हो। एल्विश भाई तुम खुद समझदार हो क्या? गूगल करके चेक कर सकते हो। एल्विश का तो पता नहीं, लेकिन जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बताया था, देश के सुप्रीम कोर्ट ने तो ऑलरेडी चेक कर लिया है, इसलिए फिल्म के आगे डिस्क्लेमर लगाने को कहा गया है। अब इसके अलावा काउंटर के तौर पर एल्विश कुछ रैंडम कन्वर्जन के नंबर्स मेंशन करता है। भाई ये काम करता ना, अपने केरला मॉडल वाली रिपोर्ट पढ़ लेता, वहां पे आपको पढ़ने को मिलता कि 47% तक कन्वर्जन हो चुका है वहां पे। अब यहां पर एल्विश रैंडम नंबर्स और रैंडम आर्टिकल्स दिखा रहा है एक ऐसी परसेप्शन बनाने के लिए कि कन्वर्जन्स हो रही है, हजारों की संख्या में हो रही है, बहुत सारी हो रही है। और जैसा कि मैंने तो उनकी बात ही ना करी अपने वीडियो में, मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने प्यू रिसर्च सेंटर के सर्वे को कोट किया था, वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड सर्वे ऑर्गेनाइजेशन से। इन्होंने इंडिया में सर्वे किया था, 30,000 लोगों के साथ फेस टू फेस इंटरव्यूज किए, 17 भाषाओं में बात करी। इस सर्वे के सैंपल साइज के क्या मायने हैं उसे आप समझने के लिए कंपेयर कर सकते हैं
हैं टीआरपी से। इंडिया में जब बीएआरसी सैंपल साइज लेता है अलग अलग टीवी चैनलों की टीआरपी कैलकुलेट करने के लिए, उनका सैंपल साइज पता है कितना होता है? अप्रैल 2020 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 44,000 हाउसहोल्ड्स का सैंपल साइज। ये जो नंबर है यहाँ पर 30,000-40,000 का, ये एक बहुत अच्छा नंबर होता है सैंपल साइज का। लेकिन एल्विश ने कभी स्कूल में पढ़ाई पे ध्यान तो ढंग से कभी दिया नहीं, तो कहां इसे जानकारी होगी स्टैटिस्टिक्स की। इसके हिसाब से तो बीएआरसी को देश के हर हाउसहोल्ड में हर टेलीविजन पे एक डिवाइस इंस्टॉल करना चाहिए टीआरपी कैलकुलेट करने के लिए। 30,000 लोगों में से 98% ने सेम जवाब दिया भाई, शाबाश भाई, मान गए भाई। काम करो, मेरे मोहल्ले में आओ और उसमें सर्वे करो, वहां पे तुम 10 लोगों से पूछोगे ना कि भाई मोदी कैसा लगता है, तो उसमें से 90% लोग मोदी के सपोर्टर मिलेंगे। एल्विश कहता है कि कभी मेरे मोहल्ले में आओ सर्वे करो तो पता लगेगा कि 90% लोग मोदी सपोर्टर निकलेंगे। इससे पता चलता है कि एल्विश ने कभी रैंडम सैंपलिंग, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल और कॉन्फिडेंस इंटरवल जैसे कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ा ही नहीं ढंग से। प्यू रिसर्च सेंटर की जो डिटेल्ड मेथडोलॉजी है ये आपको इनकी वेबसाइट पर मिल जाएगी, और इसे मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूं क्योंकि मैंने अपने ओरिजिनल केरला स्टोरी वाले वीडियो में इनकी बात करी थी, ये दिखाने के लिए कि एक्चुअली में कितनी रिलीजियस कन्वर्जन्स हो रही है देश में। बस इन तीन चीजों के अलावा बाकी पूरे इस काउंटर वीडियो में और कोई आर्ग्यूमेंट्स थी ही नहीं, बाकी पूरा वीडियो हवा हवाई बातों से भरा हुआ है। जैसे कि बार बार एल्विश कहता है कि ध्रुव राठी के वीडियोस मत देखा करो, मत देखा करो। बस जाके भाई को करेक्ट कर देना, जाना भी मत, मेरे कमेंट सेक्शन में रहना, क्यों परली साइड जाके व्यूज बढ़ाने किसी को। तेरे फूफा बदमाश है जैसे वीडियोस देखने की जगह है, लोग लॉ एंड ऑर्डर को फेवर करना शुरू करेंगे मेरे वीडियोस देखकर। पता ये फूफा बदमाश है, फूफा बदमाश है, फूफा बदमाश है भाई। मेरे वीडियोस देखकर लोग गांधी जी के आइडियल्स और पीसफुल डिस्कशन में यकीन करने लगेंगे, एज कम्पेयर टू तेरे वीडियोस देखकर लोग क्या सीखेंगे कि अगर किसी की राय से सहमत नहीं हो तो उनको थप्पड़ लगाने लग जाओ। जिन लोगों की इस वीडियो में बात करूंगा अगर तुम उनके फैंस हो तो तुम्हें लगना भी चाहिए, बुरा नहीं, तुम्हें दो रैपट लगने चाहिए। तेरी राय में तो लोगों को गाड़ी से कुछ देना चाहिए अगर किसी का कंटेंट पसंद ना आए तो। इनके सारे सबके ऊपर फॉर्च्यूनर तार के ना मार दूंगा, और फिर मैंने ना प्लान ड्रॉप कर दिया, मैं इन्हें मार दूंगा तो सारे मजाक किसका उड़ाऊंगा। मैं अपने वीडियोस में बात करता हूं प्रिविलेज की, कैसे स्टार्टिंग लाइन सबके लिए सेम होनी चाहिए, कैसे गरीब लोगों को भी हमें सर और मैम करके एड्रेस करना चाहिए, चाहे वो रेस्टोरेंट में कोई वेटर हो चाहे हॉस्पिटल में कोई नर्स हो। अब तेरे से इतनी पढ़ाई वाली इंटेलेक्ट वाली बातें तो एक्सपेक्ट नहीं करी जा सकती, लेकिन जो बेसिक ह्यूमिलिटी और एम्पैथी वाली चीजें होती है कि अपनी दौलत पर घमंड मत करो और गरीबों का मजाक मत उड़ाओ, वो भी नहीं एक्सपेक्ट किया जा सकता तुझसे। भाई हमारे बाप दादा ने कमा रखा है, देखो इसमें कोई वो बात नहीं है, जिसने कमा रखा जिसने नहीं कमा रखा नहीं कमा रखा, चलो कि बाप दादा का पैसा उड़ा रहे हैं भैया। आज के दिन कोई भी 15-16 साल का लड़का तेरी वीडियोस देखेगा तो क्या सीखेगा? वो औरतों को खिलौनों की तरह ट्रीट करना, गाली गलौज करना, ऑनलाइन बुलिंग करना। बात खत्म, उसके गाली बको, ऐसा कर दो अकाउंट उड़ा दो उसका, एक काम करो यहां मेंशन कर रहा हूं उड़ा दो। हुक्के का एडिक्शन डालना, फालतू की लग्जरी गाड़ियों का दिखावा करना, और वही 15-16 साल का लड़का अगर मेरे वीडियोस देखेगा तो क्या सीखेगा? वो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, वर्ल्ड वॉर वन और फ्रेंच रेवोल्यूशन का इतिहास, स्वामी विवेकानंद के विचार और रामायण से मिली सीख। अगर आप जो इस वीडियो को देख रहे हो एल्विश यादव के सब्सक्राइबर हो और मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो मेरे पुराने वीडियोस को जरा जाकर देखना और खुद ही जज कर लेना कि किस चैनल से आप ज्यादा सीखते हो और किस चैनल को देखने के बाद एक बेहतर इंसान बनते हो। एल्विश तूने अपने वीडियो में कहा कि तेरे अंदर मेरे लिए कोई हेट नहीं है, मैं भी यही कहना चाहूंगा, मेरे दिल में भी तेरे लिए कोई रत्ती भर तक हेट नहीं है। सच कह रहा हूं, मैंने तेरा पुराना वीडियो इसलिए इग्नोर किया था क्योंकि वो सिर्फ मेरे ऊपर था, लेकिन इस बारी तू पूरे राज्य को बदनाम कर रहा है, तू देश में पूरी एक कम्युनिटी को बदनाम कर रहा है, तू जिस तरीके से नफरत फैला रहा है वो देश को बांटने का काम करती है, इसलिए मैंने मजबूरन ये वीडियो बनाया। इस मैसेज को थोड़ा पॉजिटिवली लियो, अगर सिर्फ तेरे से पर्सनली बात करनी होती तो कॉल पे भी बात कर सकता था, लेकिन यहां एक जनरल मैसेज भी देना है यूथ को। ये जो मिसोजिनी का ट्रैप है, ये तेरे वीडियोस से हो या हनी सिंह के गानों से हो, औरतों को ऑब्जेक्टिफाई करना, पैसे का एक घमंड रखना, एक क्लासिस्ट एटीट्यूड होना, ये गन्स को लेकर क्रेज होना या बदमाशी करना, सारे संस्कार खो देना और सिर्फ लग्जरी गाड़ियों के पीछे भागना, अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देना ड्रीम 11 और माय सर्कल 11 जैसी एप्स पर। देखो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाओ माय 11 सर्कल ऐप डाउनलोड करो, अपनी बढ़िया सी टीम बनाओ बेस्ट। तुम्हारा भाई बताया था आज 100% लीगल ट्रस्टेड साइट के बारे में जो कि है lotus365.in। कम्युनल हेट्रेड फैलाना, सुपरस्टिशियन, अंधविश्वास रखना, ये सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो आज के दिन इंडियन यूथ फेस कर रहा है, चाहे वो इंडियन यूथ किसी भी धर्म का हो, किसी भी कास्ट का हो और किसी भी स्टेट में रहता हो। तू अच्छी एक्टिंग कर लेता है, शक्ल से भी स्मार्ट दिखता है, लेकिन थोड़ा अकल पे काम करने की जरूरत है। कॉमेडी वीडियो बना, लेकिन कॉमेडी वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं कि इन सारी चीजों में भी इन्वॉल्व होना पड़े। कॉमेडी अच्छी और साफ सुथरी भी हो सकती है, जहां पर समाज में चल रही गलत चीजों का, इरेशनल बातों का मजाक उड़ाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अभिषेक उपमन्यु का लेटेस्ट स्टैंड अप कॉमेडी वीडियो देख लो हेल्थ एंग्जाइटी पर। अच्छी कॉमेडी फिल्में कितनी है, हेरा फेरी, भेजा फ्राई, मुन्ना भाई MBBS, इन सारी फिल्मों को देख और इनसे सीख कि किस तरीके से कॉमेडी करी जाती है। बाकी अंकल आंटी को राम राम कहना,